तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। बेसिकली आज हम चलाने वाले हैं जावा 42 2.1 का होने का एक मतलब सीधा सा आप लोगों को पता ही होगा जो लोग जावा के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। बता देता हूं कि जो जावा 42 है उसके अंदर आपको स्पोक व्हील्स आते हैं और 42 2.1 के अंदर आप लोगों को एलॉय व्हील आते हैं। इसकी मैंने डिलीवरी वीडियो भी डाली थी और डिलीवरी वीडियो डालने के बाद आज आपको बहुत दिनों के बाद मैं इसके और वीडियोस डाल रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने कहा कि यार अभी बाइक परचेज ही करिए, थोड़ा इसको चलाते हैं, समझते हैं क्या प्रोसेस है, उसके बाद थोड़ा बनाएंगे। बेसिकली आज इसकी नंबर प्लेट लगवाने जाना है, बट नंबर प्लेट का डिफरेंट वीडियो होने वाला है। आज हम करेंगे इसका राइड रिव्यू, क्या एक बिगनर के लिए ये बाइक अच्छी है, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक बाइक है तो क्या आपको सेकंड बाइक में जावा के साथ जाना चाहिए, या फिर आपको रॉयल इनफील्ड छोड़ के जावा के साथ जाना चाहिए। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे दिमाग में, सबका जवाब आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस ज़बरदस्त वीडियो को। देखो भाई, सबसे पहले जावा ना आप लोगों को इस बाइक के अंदर एक सेफ्टी फीचर देता है, जैसे कि बाइक अभी न्यूट्रल पे है और मैं सेल्फ मारूंगा लेगी नहीं, जैसे कि कार्स के अंदर आ रहा है ना आजकल, पहले क्लच को प्रेस करना होता है चाहे गियर में हो या ना हो, तभी बाइक आपकी सेल्फ लेती, कार सेल्फ लेती है, सेम उसी तरीके से इसके अंदर है। और सेल्फ मारने के बाद आपको एक्सेलरेट नहीं करना है वरना बाइक स्टार्ट नहीं होगी, जैसे कि ये है, मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेट कर लिया। दिस इज़ अ सेफ्टी फीचर, फॉर एग्जांपल बच्चे बैठे हों कोई, मतलब इसको दबा दे तो उस टाइम पे बाइक स्टार्ट ना हो। तो ये दो चीज़ें मुझे जावा की लिटरली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं। अब देखो नहीं स्टार्ट होगी, स्टार्ट हो गई, तो ऐसा कुछ है कि इसके अंदर सेफ्टी फीचर है। और भाई आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करो आगे कि एक शीशा नहीं है भाई, इसका बोल्ट ढीला हो रहा है, शोरूम जा रहे हैं तो इसको चेंज करा लेंगे। अब चलाते हैं बाइक को। 6 स्पीड के इसके अंदर मैनुअल क्या 6 स्पीड की ट्रांसमिशन है इसके अंदर। भाई सबसे पहले बात करी जाए, मतलब अगर आप कोई भी बाइक चलाते हो ना, या फिर अगर आप कोई भी बाइक परचेस करते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि भाई उसका राइडिंग पोस्चर कैसा है, कि मतलब कंफर्टेबल है या नहीं है। तो अगर राइडिंग पोस्चर की बात करी जाए तो भाई एक तो नेकेड बाइक है, नेकेड बाइक्स के अंदर आप लोगों को पता ही है कि भाई बैठने में कम्फर्ट आता नहीं आता है, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कम्फर्ट को लेकर कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सीट है। जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है ना, वो लोग भी इस बाइक को बहुत ही आराम से चला सकते हैं, तो ये एक इसकी सीट नीचे होने का सबसे बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा, अगर हम बात करें कि बाइक को बैठने के बाद इसके अंदर वेट कैसा है, या फिर अर्गोनॉमिक वाइज इसके अंदर क्लच वगैरह कैसा परफॉर्म करता है, गियर शिफ्टिंग कैसी है, तो वेट के अंदर मैं बात करूँ तो मेरे को कोई बहुत भारी नहीं लगती है। स्टार्टिंग में जो बिगनर होंगे उन्हें एक बार के लिए हल्की फुल्की सी भारी लग सकती है, मगर बहुत भारी नहीं है। जब चलाने लग जाओगे, यूज टू हो जाओगे, तो ऐसा जिसको भी लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगली चीज़ की बात करिए इसका क्लच, तो इसका क्लच अभी थोड़ा सा नया है, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा हैवी लगता है। ट्रैफिक में जैसे जाम है तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा फिंगर्स में पेन होने लगता है, क्योंकि यूजुअली मैं जितनी बाइक चलाता हूँ अधिकतर मैं स्लीपर क्लच है ना, तो वो एक रीज़न हो सकता है। हालांकि क्लच को लेकर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फोकस रिपोर्ट वाली चीज़ है, क्लच भी हो जाएगा जैसे जैसे बाइक चलेगी। नेक्स्ट चीज़ की बात करी जाए इसकी गियर शिफ्टिंग के बारे में, तो भाई इसकी गियर शिफ्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और ये माफ का चलान काटते हो यहाँ पे, तो भाई देखो अगर हम वापसी अपने टॉपिक पर आएँ, जावा 42 की बात करें, तो भाई देखो इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो भी ठीक है, हल्का सा, मतलब जिस हिसाब से थोड़ी रॉ बाइक है ना, हल्की सी हार्शनेस है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर ख़राब है, नहीं, बेस्ट है, गियर्स को लेकर कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अभी बाइक नहीं है तो ऐसा ऐसा कोई चक्कर आने वाला है नहीं है। एक मेरी फेवरेट चीज़ के बारे में बात करूँ जो मुझे जावा की अभी तक सबसे ज़्यादा पसंद आई है, स्पेशली इस बाइक की, वो है भाई इसकी ब्रेकिंग। वाइट बहुत प्यारी है भाई बाइक की, चाहे वो अगला ब्रेक हो चाहे वो पिछला ब्रेक हो, दबाते ही बाइक ऐसे रुक जाती है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब अगर पैनिक ब्रेकिंग करनी हो ना 100-120 पे, तो भाई एकदम रुक जाएगी। मैं आपको एक बार छोटे से ब्रेक अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, मैंने दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई करे हैं, तो ब्रेक दबाते ही बाइक क्विकली रुक रही है, ऐसा नहीं है कि टाइम ले रही है या फिर कुछ टाइम के बाद रुकेगी, नहीं। ABS प्रॉपरली वर्क कर रहा है, क्योंकि डुअल चैनल ABS आता है इसके अंदर, फ्रंट में भी है और पीछे की तरफ भी है। एक चीज़ है इसके अंदर जो मुझे थोड़ी सी डिले लगी, जो है इसका स्पीडोमीटर। अगर आप लोग स्पीडोमीटर देखेंगे, जैसे कि बाइक 40 की स्पीड पे होगी ना, तो आपकी जो सुई है पहले थोड़ा सा ऊपर आने में भी टाइम लेगी और फिर मतलब वापस अपनी पोजीशन पे जाने में भी टाइम लेगी। तो मैं आपको एक बार देखो दिखा देता हूँ। देखो भाई, अब मैं आपको इसकी सुई दिखाता हूँ।
देखो अभी जब प्रॉपर रोकूंगा ना तब आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आ पाएगी, क्योंकि जब रुकती है ना बाइक तो उसमें एकदम से जैसी रुक रही है वैसे जीरो पे नहीं जाती, एक या दो सेकंड का डिले लेती है और फिर जाती है। वो चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, आगे रेड लाइट पे रुकेंगे तब देखना। अब आप लोग इसकी एक बार स्पीड देख लो जल्दी से, देखो भाई बाइक रुक चुकी है, अब जीरो पे गई है रुकने के दो सेकंड के बाद। तो ये इसका थोड़ा सा स्पीडोमीटर के अंदर डिले मुझे लगता है, जो चीज़ मतलब जावा को नहीं देनी चाहिए थी, इस चीज़ का थोड़ा सा सोल्यूशन होना चाहिए था। स्पीडोमीटर डिले दिखाता है हल्का सा थोड़ा सिलवा, और जब आप हाई रेव करते हो ना तो इसकी जो सुई है इसके अंदर वाइब्रेशन भी आते हैं। देखो दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप से भाई वाइब्रेशन भी आते हैं इसकी सुई के अंदर। खैर ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ के बारे में बात करें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई जावा की, जिसको लेकर तो भाई मतलब आप ये लगा लो पूरा मतलब हो सकता है कि जो मेरे जैसे भगाने वाले लोग हैं, जो लोग कॉर्नरिंग करना पसंद करते हैं, जो लोग थोड़ा लीन करना पसंद करते हैं, उनको ये चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो ना बहुत ही ज़्यादा कम है। उसका देखो पॉजिटिव तो यही है कि कम हाइट वाले बंदे इजीली चला सकते हैं, नेगेटिव ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और उसी के साथ साथ इसके अंदर पीछे आपको सेंटर का मेन स्टैंड भी जावा ऑफर करती है, जिससे कि अगर मान लो ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कम हो तो वो और इतनी कम हो जाती है। छोटा सा ब्रेकर हो या फिर छोटे मोटे गड्ढे हों, अगर दो बंदे बैठे हों, ये नीचे से लगनी है तो 110% लगनी ही लगनी है, जिसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। अगर आप सेंटर का मेन स्टैंड हटवा दो तो शायद थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हो जाए, तो मेरे हिसाब से जावा को शायद मेन स्टैंड इसके अंदर देना ही नहीं चाहिए था। खैर अब जो चीज़ है तो है। अब अगर हम इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें कि इसको चलाना आसान है या नहीं है, जैसे कि अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है इसके अंदर मनोवर कर पाना आसान है या नहीं है, तो भाई देखो ऐसे ट्रैफिक में चलाने में कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, बहुत कम्फर्टेबल बाइक है यार, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। जो लोग थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक पसंद करते हैं ना शायद उनको ये बाइक पसंद ना है, क्योंकि इसमें उस टाइप का आपको पुल नहीं मिलेगा, पावर अच्छी है मगर एक स्पोर्ट बाइक के अंदर जो पुल होता है ना वो चीज़ इसके अंदर थोड़ी सी मिसिंग लगती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा इसमें पावर नहीं है फिर ये भागती नहीं है, भागती बहुत मस्त है, मगर जैसे स्पोर्ट बाइक में एक्सीलरेशन करते हैं वो उठती है ना ऊपर को, वो एक चीज़ का थोड़ा सा मिसिंग है, या फिर हो सकता है इसके जब डीबी क्लच हट जाए या फिर इसकी थोड़ी सर्विसिंग हो जाए तो शायद इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। और ये ऐसे छपरी राइडरों को देखो ना, हेलमेट ना कुछ। तो अब मैं आप लोगों को एक बार इसका थोड़ा सा पुल दिखाता हूँ, थोड़ा इंजन अभी नया भी है तो अभी मतलब जिनकी ये भैया की बाइक है जो इसके ओनर है, हालांकि अपनी है घर में ही है बाइक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो ओनर है जो भैया जिनके नाम पे है ये जो इसको चलाते हैं कभी कभी, ज़्यादा नहीं चलाते कम चलाते हैं, वो कह रहे हैं कि अरे हीट बहुत मारती है, तो अभी तो नहीं है थोड़ा इस वजह से भी हीट मारती है। ऐसा कि मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हीट करती है, क्योंकि भाई देखो मैं ऑलरेडी ना हीट होने वाली एक से एक बाइक चलाता हूँ, डोमिनार दुनिया भर की हीट मारती है, RS वो भी खूब हीट मारती है, दूसरी ड्यूक हो गई वो भी खूब हीट मारती है, तो इसलिए मुझे इसकी हीट ना बहुत ज़्यादा नहीं लगती, तो हो सकता है कि भैया को लगती है, तो वो चीज़ मैं आज अभी शोरूम में एक बार बता दूँगा। बाकी अगर आप लोग सोच रहे हो कि इनके मिरर का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या इनके अंदर पीछे की विजिबिलिटी है, तो जी हाँ गाइस इनके अंदर पीछे की बहुत मस्त विजिबिलिटी है। इनको अगर आप ऐसे करके देखो एडजस्ट कर लो ना तो देखो आपको पीछे का पूरा एंगल दिखा रहे होंगे, शायद कैमरे में आ रहा होगा, देख रहे हो, तो भाई पीछे की विजिबिलिटी भी है और ये वाइब्रेट भी नहीं करते, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोग इसकी वाइब्रेशन की बात करेंगे तो इस बाइक के अंदर थोड़ी बहुत वाइब्रेशन मिलेंगी, जो कि भाई इसको मतलब कह सकते हैं कि भाई जो इसके लिए ज़रूरी है, अगर इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होंगे तो भाई इन बाइकों के अंदर मज़ा नहीं आएगा। जैसे बुलेट में से इमेजिन करो वाइब्रेशन हट जाए तो बुलेट चलाने का स्वाद हट जाएगा, ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो होंगी इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ हालांकि बुलेट से कंपेयर करें बुलेट से कम है मगर थोड़ी सी वाइब्रेशन है, उसका कोई भाई नेगेटिव बात नहीं है, वो ठीक है इतना चल जाता है।
अब अगर बात करी जाए इस बाइक के ओवरऑल रिस्पॉन्स के बारे में या फिर इसके जो टायर्स हैं उनकी ग्रिप्स कैसी है, टायर्स की ग्रिप को लेकर बिल्कुल कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। पीछे का टायर जो है 130 सेक्शन का आता है इसके अंदर और आगे का टायर जहाँ तक 90 सेक्शन वाला होगा। एंड ब्रेकिंग की बात करी जाए, परफॉर्मेंस की बात करी जाए, ओवरऑल हर एस्पेक्ट से बाइक एकदम थम्स अप है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी फर्स्ट बाइक खरीद रहे हैं और अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक के लवर हैं तो आई थिंक शायद आपको ये एक बार के लिए ना भी पसंद आए। बाकी एक बार टेस्ट राइड लेके देख लेना, हो सकता है पसंद भी आ जाए, क्योंकि जो इसकी साउंड है ना भाई, इसकी साउंड पे तो फिदा हूँ मैं। टीवी क्लियर हटने के बाद इस कदर साउंड करती है, इस कदर साउंड करती है, अगर मैं यहाँ से इसको लेके जाऊँ ना 70-80 पर क्रूज करता हुआ, बहुत दूर तक हल्ला मचा के बता देगी कि हाँ भाई जावा आ रही है। और स्टॉक एग्जॉस्ट के ऊपर बता रहा हूँ ये मैं, आफ्टर मार्केट में स्टॉक पे। बात करें इसके अंदर जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है वो सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये एक रॉ बाइक्स होते हैं, इनके अंदर ना आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलेंगे, ना हाई एंड फीचर्स होते हैं, ना आरपीएम लिमिटर वगैरह, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई ये होते हैं क्लासिक बाइक, ये होते हैं लेजेंड। इसका नाम भी है क्लासिक लेजेंड 42, इसके अलॉय व्हील पे लिखा हुआ है, दिखाऊंगा आप लोगों को जो रिव्यू वाले वीडियोस होंगे, शायद उनमें दिखा भी दिया होगा या दिखा दूंगा। अब भाई अगर एक कंक्लूजन की बात करें कि क्या जावा 42 2.1 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो अभी तक तो इस बाइक को लेकर मेरे सारे ग्रीन सिग्नल हैं, आप लेना चाहते हो ले सकते हो। बस एक ही सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है वो है ग्राउंड क्लियरेंस, आप लोग देख लेना कि अगर आप लोग उससे टैकल कर सकते हो तो। कैमरे को हाई कर देते हैं हेलो क्योंकि अभी तो अपने पास वैसे भी नंबर प्लेट नहीं है और बाइक का चलान का होता है। तो भाई ऐसा कुछ देखो जावा 42 का रिस्पॉन्स है, बाकी इसके मीटर ये उल्टे हैं, ये भी फनी चीज़ है, मतलब अच्छा लगता है। और एक इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ जिसके लिए भाई मतलब दिल से जावा को थैंक यू सो मच, आपके जो इसके अंदर ट्रिप मीटर है वो आप लोग यहाँ से टैकल कर सकते हैं। चलती बाइक पे कितना ज़्यादा यार कन्वीनियंस हो जाता है, देखो टैकल होता है तो चलती बाइक पर टैकल नहीं कर सकते मगर रोक कैब से कर सकते हो, बहुत सही है भाई। यहाँ पे बटन होते हैं ना उनके मुकाबले बहुत प्यारा सिस्टम है ये, पर्सनली आई एम लविंग इट। एक छोटा सा स्ट्रेच दिखाता हूँ, देख रहे हो छोटा सा, ये इन पे भी लगने का डर लगता है कभी कभी इसका, हालांकि लगती नहीं है मगर फिर भी जब पता है ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो लगना जाए नीचे से, तो थोड़ा बस वही है। बाकी यार देखो ओवरऑल अगर मैं जावा को बताऊं, आप लोगों का लेने का प्लान है मेक श्योर एक बार टेस्ट राइड लेके देखो, होप आप लोगों को ये बाइक पसंद आ जाएगी। इसके अंदर आप लोग मतलब फीचर्स वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको रॉ मिलेंगी ठीक है ना, चाहे वो पावर हो, लुक्स हो या फिर सब कुछ हो, लुक वाइज तो भाई बाइक के अंदर 1% भी कमी नहीं है, बेहतरीन है। थोड़ी बहुत वाइब्रेशन मैंने बताया वो मिलेंगी। तो बाकी इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इन फ्यूचर जावा के ऊपर एक से एक वीडियो निकालने वाला हूँ, तो जब तक के लिए बाय बाय। तो भाई जो एक शीशे की कमी थी भाई वो हमने इसकी करवा दी रिजॉल्व, इसका ये वाला बोल्ट जो था ना वो ख़राब हो गया था तो उन्होंने शीशा ही रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे ऐसे किस्तों में इसका सामान तो आता नहीं है, मतलब कि ये पार्ट अलग हो या ये पार्ट अलग हो, उन्होंने कहा पूरा रिप्लेस कर देते हैं नई बाइक है। तो मैंने भी यही कहा था कि हाँ भाई पूरा रिप्लेस कर दो, वही एक थोड़ा सा समझदारी वाला काम भी रहेगा। और अब करवा दिया शीशे नीचे की तरफ, जिससे एक लुक जो आ रही है बड़ी फंकी सी आ रही है बाइक की, हालांकि साइड दिखे या ना दिखे अपने को इतना मैटर नहीं करता, हालांकि जिनको साइड मैटर करते हैं तो भाई उनके लिए ये चीज़ नहीं है, उनके लिए ये चीज़ काम की नहीं है, क्योंकि मैं तो साइड देखना है तो गर्दन घुमा के देखना ज़्यादा समझदारी समझता हूँ। बाकी ओवरऑल अगर थोड़ी बहुत देखना चाहो तो थोड़ी बहुत तो दिखाई देगा, ज़्यादा ना दिखा के थोड़ी बहुत दिखा देगा, इसको बाहर की तरफ को कर लोगे तो फिर बस वही हैंडल से बाहर जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। बाकी भाई इसका नंबर बड़ा सही मिला है हमें, है रूप बहुत प्यारा, बहुत याद आ रहा है होता जावा 42 के बाद 08 है 06 है, अगर होता 42 2.1 पॉइंट तो हम अपने आप लगा लेते हैं भाई साहब, मज़े आ जाते हैं ना। मगर ठीक है कोई नहीं, जो मिलता है बढ़िया मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन 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 खुश हैं इससे भी, नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स। बाकी यार देखो दिल्ली जैसी जगह में या फिर अगर आप कंजेस्टेड जगह में इसे चलाना चाहोगे ना जावा को, चला सकते हो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी गर्म होगी, रेडिएटर पूरे टाइम ऑन रहेगा। देखो भाई जिस हिसाब से आज मैं बाइक को चला रहा हूँ ना, चलाने में बाइक को फन है, इस बात में बिल्कुल जोर आएंगे कि इसमें फन नहीं है या फिर पावर की काफ़ी सब कुछ है, बस वही एक चीज़ है ना कि आपको इसमें मज़ा आएगा या नहीं आएगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जो स्पोर्ट्स बाइक वाली बात है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हाँ सस्पेंशन की अगर बात करिए तो रूप से गड्ढे वड्ढे महसूस होते हैं इसमें, अच्छा भाई बताइए तो नहीं होगा, बस दिक्कत हो गई है। हाँ
करना है। देखो भाई सस्पेंशन जो है वो इसका अच्छा सस्पेंशन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बढ़िया सा थंबनेल क्लिक करवाना है।